Bhogesher Barua, the first athlete from Assam to win a gold medal in the Asian Games. He was the first Arjun Awardee from Northeast. Who's just taken over the baton now for them? It is the Bhogesher Barua who had represented the country in athletic in 1966 Asian happening in Bangkok, had brought the laurel for the country by winning the 800 meter race gold medal. आसाम का एक आइकॉन है अभी तक जो उसका सिमेन है दूसरा कोई ले नहीं पाया उसका जो मेंटेलिटी दूसरा के लिए जो प्यार है और जो उसका डिसिप्लिन है सब कुछ 100% स्पोर्ट्समैन टोटल स्पोर्ट्समैन जो उनका सम्मान वगैरह जैसे जितना देते हैं जिंदा आदमी को मिलना बहुत मुश्किल है नॉर्थ ईस्ट का एक ऐसा सितारा जिन्होंने एथलेटिक्स की दुनिया में अपना एक पहचान बनाया और गोल्ड मेडल जीतकर एशियाड और अन्य इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट पर असम के साथ पूरे भारत का नाम रोशन किया नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला अर्जुना अवार्डी श्री भोगेश्वर बोरुआ नमस्कार मैं हूं नवेश इस शो का होस्ट और आप सभी का स्वागत करता हूं द चैलेंजर में इस एपिसोड में जिस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी को हम फीचर कर रहे हैं ही इज अ लेजेंड एंड वन ऑफ द फर्स्ट एसमीज टू हैव वन गोल्ड एट एन इंटरनेशनल लेवल एंड द फर्स्ट एसमीज टू हैव वन अर्जुना अवार्ड आई एम टॉकिंग अबाउट एथलीट भोगेश्वर बोरुआ असम के एथलेटिक्स को पहचान देने वाले पहले स्पोर्ट्स पर्सन जो अभी भी इस खेल को उतना ही आदर और सम्मान करते हैं जितना वो शुरुआत में करते थे अपनी जिंदगी के सुनहरे पल इस खेल में समर्पित करके आज एक मिसाल बन चुके हैं अर्जुना अवार्डी श्री भोगेश्वर बोरुआ सर आपका और इस ट्रैक का रेस ट्रैक का एक अलग ही संबंध है ये संबंध कब बना पहले कब कैसे क्या हुआ ये हमें बताइए जरा 62 तक मैं एक फुटबॉलर हिसाब से सभी परिचित है हाँ जी। वो भी आंध्र प्रदेश में 62 डोरन गोल्ड कप जीतने वाला टीम हम विनर टीम हम लोग बंगाल का साथ जीत करके गोल्डन ट्रॉफी लिया स्पोर्ट्स काउंसिल पहला जो कमिटी है ना उसका हम मेंबर था और नॉर्थ ईस्ट का हम चार आदमी था डॉक्टर टीआउ था नियमालाल था मैं था इंग्लिश चैनल क्रॉस करने वाला लेडी वो हमारा साथ था आरती गुप्ता तो उसी टाइम भी उससे पहला भी बताया था कि तू फुटबॉल मत छोड़ लेकिन मुझे फुटबॉल छोड़ना इसीलिए है फुटबॉल 15 प्लेयर का विनर होगा तो भी मेडल मिलता है 15 को मिलता है इट्स लाइक अ टीम गेम लेकिन गिनती में एक होता है लेकिन इंडिविजुअल गेम में जो मेडल मिलेगा वो गिनती में एक ही होता है एक भी एक मिलता है इसीलिए हम टीम वर्क गेम से थोड़ा अलग हो गया भोगेश्वर बोरुआ ने ठान लिया था कि उनको इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में अपना टैलेंट दिखाना है क्योंकि वो बॉक्सिंग स्विमिंग शूटिंग रनिंग सब में अच्छे थे एथलेटिक पहला खेला है बॉक्सिंग में उतरा है शूटिंग में उतरा है तो क्यों टीम वर्क गेम खेल नहीं टीम वर्क गेम से हम बाहर हो जाए उसका बाद है एक एथलेटिक वाला मिलेगा मेरे को बंगाल का ही है BKD नाम का उसने बोला अगर तू नहीं खेलेगा तो एथलेटिक में आ जाओ एथलेटिक में आएगा तू आपका जो पोजिशन है अभी जो इंटर ऐसे प्लाट में होता है इंटर कंपनी होता है उसमें हम लोग भाग लेते हैं ना सभी तो तुम्हारा स्टैंडर्ड का मुताबिक तुम इसी साल सर्विसेज कलर तुमको मिल सकता है जो नेशनल खेलने वाले प्लेयर्स होते हैं उनको सर्विसेज ब्लेजर का सम्मान मिलता है ये सुन के भोगेश्वर बोरुआ इंस्पायर हो गए और एथलेटिक्स में भाग लेने की डिसीजन ले लिया उसका बाद सर्विसेज आ गया सर्विसेज में जाके मैंने थर्ड हो गया थर्ड मिलने से भी हम कलर मिल जाएगा ना जी बात ऐसा है कि 400 मीटर एक 100 मीटर एक ऐसा है थर्ड को भी पार्टिसिपेटिंग करने के लिए मिलता है कैसे उसको रिले भागना पड़ता है चार आदमी कंपटीशन में भाग लेता है और चारों का सिलेक्शन करता है आप तो फोर्थ तक वो नेशनल में पार्टिसिपेटिंग करेगा उसका बाद धीरे धीरे आ गया
ऑल इंडिया में सर्विसेज में गोल्ड मेडल मिल गया। 63-64 का ऑल इंडिया ओपन मीट में फर्स्ट टाइम में वो गोल्ड मेडल लेके राइफल छोड़ दिया, शूटिंग नहीं जाएगा, फुटबॉल हम छोड़ दिया, बूट खोल दिया जी। तब से ये एथलेटिक ग्राउंड का साथ हमारा शुरू हो गया। भुगेश्वर बोरुआ ने अपनी मेहनत और हुनर के वजूद पर एक नेशनल एथलीट की जगह बनाई और नेशनल एथलेटिक्स के टीम में उनको सिलेक्शन मिल गया। लेकिन एशिया गेम्स 1966 के फाइनल लिस्ट में उनका नाम ड्रॉप कर दिया गया। सिलेक्शन में क्वालिफाई तो हमने किया, लेकिन भारत सरकार ऐसा था, नेशनल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आपको भेजेगा तो आप जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। लास्ट से सेकेंड आदमी मैं हूँ, 21 नंबर मेरा, 22 नंबर और एक का है, आउट हो गया हम। सिलेक्शन कमेटी की रिक्वेस्ट और रिकमेंडेशन को देखते हुए भुगेश्वर बोरुआ को रेसलर टीम के बजट में ले लिया गया। हमने सेकेंड डे नहीं थर्ड डे इंडियन टीम का रेसलर, वो रेसलर टीम का साथ गया। उसके बाद जाके वहाँ विलेज में पहुँच और टाइम आ गया ना, दो तीन दिन के बाद मेरा कॉम्पिटिशन शुरू होगा। यहाँ जो कोच है NIS का जी सामी, उसी ने हमको एक टेलीग्राम में आइडिया लिखा है कि तुम ऐसा भागना, मोइमोटू का नाम है जिसका पहला रिकॉर्ड है जापान का, उसको नाम लिख करके बताया जाए तुम इसको लीडिंग लीन लेना, फॉलो करना, और फॉलो करना मीनिंग एकदम बिल्कुल साथ फॉलो करना। लास्ट 150 मीटर या 100 मीटर में तुम्हारा डिसीजन तुम खुद कर लेना। मेरा एक हैबिट है कि मैं जब तक भागता हूँ ना तब तक तो मैं सिर्फ लीडिंग ही लेता हूँ, वहाँ भी हिट्स में मैं वो लीडिंग ही लिया। क्वालिफाइंग हिट्स में भुगेश्वर बोरुआ ने नया रिकॉर्ड सेट किया, लेकिन साथ में ही जापान और बर्मा के और दो खिलाड़ियों ने भी नया रिकॉर्ड बनाया। कंपटीशन बहुत ही जबरदस्त होने वाला था। नेक्स्ट डे सुबह तक में आ गया तो हम वो लेटर वगैरह सब भूल गया। okay. अपना आइडिया में जो मालिक जो करेगा करेगा और देखा जाएगा। रेस के शुरू होते ही बोरुआ ने लीड ले लिया, लेकिन बाकी दो भी हार मानने वालों में से नहीं थे। जो शुरू से लीडिंग किया ना, और पेपर में इतना प्रोपेगेंडा किया कि ऐसा क्लोज फाइट इतना डिस्टेंस का रनर में कभी नहीं हुआ, लोग 100 मीटर भी नहीं हुआ। देखो मोइमोटू सेकंड है, मोइमोटू मेरा वजन से हाथ आगे है, बॉडी थोड़ा पीछे है, हाथ लेकिन आगे, हाथ मेरे आगे है। निकला हुआ और बिल्कुल साथ साथ वो भी है। हाँ। थर्ड वाला भी है, फाइट फिनिश हो गया। फिनिश का बाद एक दूसरा को मालूम नहीं कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। उस जमाने में फिनिशिंग लाइन पर कौन फर्स्ट आया देखने के लिए फोटो लिया जाता था, ताकि जजेस के डिसीजन में कोई सवाल ना उठाए। 5 मिनट लगता है वो फोटो ऊपर से आता है, नीचे क्लोजिंग जहाँ फिनिश होता है वहाँ, उसके बाद वो लेटर खोलने के बाद डिक्लेरेशन देगा, रिजल्ट मिलने के बाद तो सही हुआ है। जापान वाला बोल रहा था, मैं जो सोच रहा था वही हुआ, आप विनर है, विनर भी हुआ साथ साथ रिकॉर्ड भी हुआ, न्यू रिकॉर्ड किया। तो रिजल्ट मिलने के बाद फिर विक्टिशन लेके गया, विक्टिशन में हमको बड़ा महसूस हुआ था, एक चीज जब राष्ट्रीय जो गीत जी अनडाउटेडली विक्ट्री मोमेंट को याद करते हुए भुगेश्वर बोरुआ के आंखें नम हो गए, वो पल जो उनके जिंदगी का सबसे अनमोल पल था। और वो माहौल हमें सुन के इतना अजीब लग जाता है, मतलब गूज़बम्प आ जाता है, इतना प्राउड महसूस होता है। आप तो रिप्रेजेंट करके आपके जरिए हमने वो सुना, आई थिंक मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन एंड वी आर एक्चुअली वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। इतना कुछ अचीव करने के बाद भी असम के लोगों को ये पता नहीं था कि भुगेश्वर बोरुआ असम के सुपुत्र है, क्योंकि मीडिया में कंफ्यूजन था वेदर भुगेश्वर बोरुआ वाज फ्रॉम असम और नॉट। इन असम ट्रिब्यून देन आवर पायनियर जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट पुलिंडा वाज देयर इन सर्विस। पुलिंडा केम टू नो दैट 1 BS बोरुआ इंडिया ओन गोल्ड मेडल इन 800 मीटर्स 1966 बैंकॉक एशियन। Another senior journalist, Pamela Sharma, was also there. He was in Dhoni Kosam. Pulinda's
was in Assam Tribune, they discussed among others, who is B.S. Borua? We discussed among our journalists that this Borua may be from our state, but we also knew that there were some Sat Boruas from East Bengal who have migrated to India and changed their surname to Borua. There was one person working in Assam Tribune, Oshojjolal Borua, that man was. He was proprietor in Assam Tribune. Mr. Acharya Lal Borua from Sipsagar has come to our office and informed us that this B.S. Borua is from Malasagar of Sipsagar. When B.S. Borua came home on leave after 2 months, Mr. Acharya Lal Borua brought him to our Assam Tribune office. B.S. Borua, Bhugeshwar Borua, Assam Tribune lalu ehil. Main jab khel ke yahan aaya tha Assam mein, kisi ne bhi pehchanta nahi hai. कम से कम 2 महीना हम घर में बैठे रहे. 2 महीना तक किसी असामी को मालूम नहीं है. एक एशियन गेम का चैंपियन अपना असम का ही है बीएस बोरुआ, ये किसी को मालूम नहीं था. वो जो खबर है सबसे पहले हमको मिला था रेडियो न्यूज से जरिए. वो न्यूज हमको दिया था शिवसागर कॉलेज का जो प्रिंसिपल था उस समय परागधर सोलिहा. सोलिहा सर ने दौड़ दौड़ के आके सभी को बताया कि ये भुगेश्वर बोरुआ ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है. जब ये न्यूज़ मिला है उस टाइम में थोड़ा ज़माना अलग था, लोगों को पता ही नहीं है खेल क्या है और ये एशियन गेम्स क्या है वो पता नहीं. सभी सोचता था ये कोई बर्मिज होगा या बंगाल का होगा. तो उसको जब मालूम हो गया जे ये आदमी उसी टाइम साथ साथ मेरे घर में आया, उसने मीटिंग किया शिवसागर में, अनाउंस कराया, बहुत सम्मान था. उसका बाद गुवाहाटी को भेजा हरजी बोरुआ, इनका पास भेज दिया. He was tall and slim. He looked quite like an athlete when I first saw him. দেখিলে athlete যেন লাগে আৰু মানে আসাম টিমৰ প্ৰতিষ্ঠানত মোৰ লগতে প্ৰথম পৰিচয় হ'ল. We got introduced and I took him to late Mr. R.G. Borua. He offered him his blessings. And we organized a meeting in our campus and had a photo shoot. হেই প্ৰথম গম পালে অসমৰ ৰাইজে. Next day the people of Assam got to know from our news that this gold medalist in ASEAN, Mr. Borua, is from our state. Bhugeshwar Borua. Uske baad inhone paisa kara diya pura Assam mein. Direct post kar office Shillong mein tha usi time. Shillong mein bhi leke gaya. RG Borua ne to Assam ke logo ko newspaper ke zariye pehchan kara diya tha. लेकिन भुगेश्वर बोरुआ को असली इज्जत और सम्मान मिला एशियाड 1982 दिल्ली में मिला था. 82 एशियन गेम्स में एक सेमिनार हुआ था, हम लोग को इनवाइट किया था. उस सेमिनार में असम के मीडिया से यंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बोलेन चक्रवर्ती दिल्ली पहुंचे और वो था उनके भुगेश्वर बोरुआ के साथ पहली मुलाकात. 82 में जब एशियन गेम्स हुआ था तब असम गवर्नमेंट हमको स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रेमदा, पुलिन दास, ऐसे ऐसे करके 4-5 आदमी को जर्नलिस्ट को दिल्ली में ले गया था प्रिपरेशन ऑफ एशियन गेम्स देखने के लिए. इन लोग जाके तो दिल्ली में जाके बिल्कुल पागल जैसे हुए. जो छोटा छोटा बच्चा से लेकर बूढ़े तक सबको सभी ने ऐसा पकड़ लिया. और मैंने देखा हर स्टेट का स्पोर्ट्समैन आता है, उसको कितना प्यार करता है. तो मैंने सोचा देखो हमारा प्रदेश में इतना बड़ा स्पोर्ट्समैन है, हम लोग नहीं जानता है उसके बारे में, लेकिन देश में उसका कितना इज्जत है. पूरा दिन घूमने के बाद जब हम असम हाउस में जाएंगे तब इनका डिस्कशन एक ही होता है कि असम में इसको पैसे कराना है. स्पोर्ट्स डे इंडिया में तब नहीं था तो मैंने सोचा स्पोर्ट्स डे मनाएंगे उसका बर्थडे. अभिरुचि नामक क्रीड़ा संगठन के उद्योग में हर साल पूरे असम में अभिरुचि क्रीड़ा दिवस मनाया जाता है, सेलिब्रेटिंग भुगेश्वर बोरुआज बर्थडे. हम अवार्ड देंगे दोज हु हैव रिप्रेजेंटेड इंडिया. हर साल नेशनल लेवल के एक स्पोर्ट्समैन को अभिरुचि दिवस पर सम्मान दिया जाता है.
ताकि आने वाले पीढ़ी को प्रेरणा मिले। ये जो खेलवार है उनको सम्मान नहीं देंगे समाज से तो नेक्स्ट जेनरेशन से नहीं मिलेंगे स्पोर्ट्समैन। शिवसागर के जयसागर के पास एक साधारण से परिवार में बड़े हुए भोगेश्वर बोरुआ बचपन से ही इस तालाब में स्विमिंग करते थे और स्पोर्ट्स की शुरुआत भी उनकी यही से हुई। मेरा बिल्कुल तालाब का साइड में ही मेरा घर था और वो घर है वो जो मंदिर आपको दिखाई देता ना उसका फेंसिंग का अंदर बिल्कुल पानी का साथ किनारे पर मेरा मकान था। जब भी दिल चाहता है तो हम पानी में उतरता नहाता ऐसा करता। बिना कोई ट्रेनिंग से ही बहुत ही कम उम्र में बोरुआ ने तालाब के आर पार करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। He was quite robust and energetic during the days of his youth. Not so keen in studies, he was more involved towards sports. I thought we can be good friends, and since childhood we started playing together. After completing board exams, he fully devoted himself into sports. खेल के बाद आर्मी में ज्वाइन करने वाले भोगेश्वर बोरुआ एक नेचुरल स्पोर्ट्समैन है, इसीलिए वो 1966 के एशियाड एथलेटिक्स में देश के लिए ले आए 800 मीटर्स गोल्ड मेडल। दिस इज दैट ऑनर, और इस ऑनर को प्राप्त करने के बाद जिस तरह से भावुक हो गए थे सर हमने देखा था। दिस गोल्ड मेडल सर, दिस ऑनर जो आपने प्राप्त किया जिससे आप सम्मानित हुए, यहाँ आने के बाद तो एयरपोर्ट में बहुत लोग जाकर के जितना भी गोल्ड मेडलिस्ट है आयरन मेडलिस्ट है सबको हासिल किया था। फिर इंदिरा गांधी नेक्स्ट डे जितना भी मेडलिस्ट है उनसे मिलाया। फिर 66 जनवरी महीना में जो 26 जनवरी का परेड था जी। उस परेड में सभी मेडलिस्ट को हम लोग को मार्च पास कराया था। मैं तो सेकंड रोबर्ट में रहता था ना, सेकंड रोबर्ट जब पहुंचा हमको पता नहीं, हम ट्रेन से उतरा नहीं, ट्रेन का अंदर लोग घुस गया। सिकंदराबाद स्टेशन से मेरा यूनिट तक 11 किलोमीटर एक पूरा ऐसा लाइन लगा के आएगा। 1966 के गोल्ड मेडल के बाद भोगेश्वर बोरुआ और काफी सारे मेडल्स देश के लिए जीता, जैसे 1968, 1970, 1972 तक। इसी वजह से उनको खेल के सर्वश्रेष्ठ सम्मान अर्जुना अवार्ड से नवाजा गया। हर एक स्पोर्ट्स पर्सन का व्हेन दे आर एक्टिवली इनटू स्पोर्ट्स एक सपना हो जाता है अर्जुना अवार्ड। आपको वो सम्मान मिला जो हम इस वक्त हमारे दर्शकों को दिखा सकते हैं, दैट ब्यूटीफुल अर्जुना अवार्ड। ऑफ कोर्स दैट मोमेंट यू कैन डेफिनेटली शेयर, इस वक्त आप बताना चाहोगे कुछ? अर्जुना अवार्ड में इस टाइम मिला अनाउंस हुआ था, उसमें मैं घर पर था, लिया जो प्रिंसिपल था ना शिवसागर कॉलेज का, उन्होंने रात को न्यूज में सुना। न्यूज में सुनने के बाद वो उसी टाइम में आना चाहता था रात को मेरे पास, लेकिन दूसरा दिन सुबह आ गया। बीच रास्ता पर गाड़ी रुका, रुक करके बोले सर ऐसा बोला और उतर के गले लगाया। गले लगाया, आपको मालूम है आप उर्जुना अवार्ड में? मतलब मुझे कोई पता नहीं है, मैं तो अभी आ रहा हूँ, मेरे पास कोई रेडी ओगड़ा नहीं है उसे तो बता दिया उनको। नए जनरेशन के स्पोर्ट्समैन को नेशनल लेवल के स्पोर्ट्समैन बनाने के लिए बोरुआ ने अपनी जिंदगी समर्पित कर दिया। अभी तो सर ने जो भी दिया था स्विमिंग के बारे में, कैसे कैसे खेलना कैसे करना है, छोटा बच्चा को बहुत इंटरेस्ट, 3 साल से सिखाता हूँ, मेरा कोई सभी बताता है ये आप ही सिखाना है इसको। फर्स्ट में जब माजुली में था ना तब मैं बहुत छोटा थी, तब उसी टाइम में भोगेश्वर बोरुआ हम लोग का वहाँ कोचिंग पर गया था, तो उसी कोचिंग पर मुझे वो सिलेक्ट किया है, वो तब से मुझे मिला है। 82 में जब एशियन गेम्स हुआ था दिल्ली पर, उसी का कोचिंग पर मैं भोगेश्वर बोरुआ का साथ जुड़ा था। 1977 से मुलाकात हुआ था सर के साथ,
और बेतबाड़ी मेरा घर है, बेतबाड़ी से वहाँ भी कोचिंग कैंप लगाने के लिए आदमी लोग खोल बोल दिया था। उसके बाद सर ने वहाँ कोचिंग कैंप लगा दिया। उसको बात सुन के मेरा दिल बहुत उत्साह हो गया, उत्साह तो अभी खेलो और खेलो और खेलो ऐसे लग गया था। सर को मन में ऐसे था कि सब सीख लो, सब आगे जाओ, सर का दिल ऐसे करता था। भुगेश्वर बड़ुआ को देख के उसकी जो इंस्पिरेशन दिया था, उनकी जो फुटस्टेप, काफ़ी खिलाड़ियों ने उनसे इंस्पायर मिल के आज काफ़ी स्तर पे, स्पेशली फ्रॉम असम, दे फॉलो द फुटस्टेप ऑफ द भुगेश्वर बड़ुआ टू रिप्रेजेंट इन इंडिया एंड ब्रिंग द लॉरल फॉर द कंट्री। ये ऐतिहासिक बोर्डिंग खेल पठार है जो ब्रिटिश के जमाने से इसमें खेल होता था। अर्जुन भुगेश्वर बड़ुआ जी भी यहाँ फुटबॉल खेल चुका है, जिसका वजह से यहाँ सारू किनार जो बच्चे देख रहा है, ये बड़ुआडा का दूसरा दिन है जो बड़ुआडा बच्चे के साथ घूम के रह के बहुत खुशियाँ महसूस करता है। बड़ुआडा हमारी फैमिली के लिए ना गॉडफादर है, क्योंकि मेरी दो लड़की है, दोनों की आज, मेरी बड़ी लड़की इंटरनेशनल स्विमर है और छोटी लड़की ने इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में 749 आवर्स स्विमिंग किया था। तो दोनों काम में ना बड़ुआडा का बहुत हाथ है, उसने उन दोनों को ट्रेनिंग करके इतना तक पहुंचा है। हम हमेशा बड़ुआडा को हम इसलिए गॉडफादर मानते हैं मेरी बच्ची के लिए। बड़ुआ सर ने हम लोग एग्जाम्पल से करके गया, वो एथलेटिक्स में था, फिर भी वो स्विमिंग भी लगे हुए हैं, फुटबॉल में है, सभी में, क्रिकेट में भी आते हैं, अभी तक लगा हुआ है, बहुत अच्छा है। तो वो जब आर्मी से रिटायरमेंट होकर आया था तो हम लोग का समय वह कोचिंग कैंप चला रहा था, तो उसमें से बहुत लड़का लड़कियाँ निकला था। जब वो ONGC में एंट्री हो गया, मतलब उसका मकरण हो गया, तब तो वो जो स्टूडेंट था, पहले उसका साथ कोचिंग किया था, उसमें से कम 8-10 लड़का लड़की ONGC में सर्विस मिल गया। स्पोर्ट्स करके कैसे मतलब लाइवलीहुड अर्निंग कर सकता है, उसका भी वो थोड़ा लोगों को दिखाया है। तो हम भी उसका स्टूडेंट है, तो एज ए स्टूडेंट हम भी थोड़ा प्राउड फील करते हैं उसका नीचे में हमको कोचिंग मिला है। रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने स्पोर्ट्स एकेडमी खोला और अपनी कोशिश जारी रखा। पापा ने तो एक एकेडमी खोला था दिमो में, उनका जो नकली जो रिटायरमेंट हुआ था, रिटायरमेंट के बाद तो एक तो पैसा मिलता है, सो पूरा का पूरा पैसा उस एकेडमी में लगा दिया था उस टाइम में। 80 साल की उम्र में भी भुगेश्वर बड़ुआ की कोशिश जारी है नए खिलाड़ियों को एक अच्छी परवरिश देने के लिए, लेकिन इस महान काम को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें और सहयोगिता की जरूरत है। 80 प्लस एक आदमी इतना एंथुसियाज्म है, इतना एनर्जिक है, वो ऑटोमेटिकली सभी के लिए आइकन हो जाता है। जो भी करना चाहते थे, सरकार भी इतना मतलब इंटरेस्ट नहीं दिया है, उनका मन मतलब थोड़ा बड़ा है, लेकिन इतना कर नहीं सकते थे, तो उसको जितना इज्जत देना चाहिए था हम लोग दे नहीं पा रहे। कभी कभी वो इंस्पायरेशन के मतलब नहीं मिलने से थोड़ा कभी कभी वो ब्रेकडाउन हो जाता है, फिर भी उसका जो ड्यूटी है वो ठीक से निभा रहा है। अगर असम गवर्नमेंट, बाकी पब्लिक उससे ज़्यादा थोड़ा उसको एनकरेज करते तो और कुछ बहुत कुछ हो सकता था। तो ये थे एथलीट भुगेश्वर बड़ुआ। शांत स्वभाव के, हसमुख चेहरे वाले और खुश मिजाज रहने वाले भुगेश्वर बड़ुआ से हमने बहुत कुछ सीख ली। कहते हैं ना, जहाँ हिम्मत खत्म होती है वहां से हार शुरू हो जाती है। उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने कभी हार नहीं माना। एंड ही इज सच अ लेजेंड एंड अ स्पोर्टिंग पर्सनैलिटी ऑल टूगेदर हिमसेल्फ, सच अ वंडरफुल पैकेज एंड ट्रू स्पिरिट आई मस्ट से, एंड दैट्स व्हाई ही गॉट फीचर्ड इन द चैलेंजर। और बता दूं आपको कि हर साल 3 सितंबर को मनाए जाते हैं उनके सम्मान में अभिरुचि क्रीड़ा दिवस। हैट्स ऑफ टू हिम एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में विथ अनदर चैलेंजर। थैंक्स फॉर बीइंग विथ अस।